पूरे देश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह का माहौल है। हर कोई प्रभु श्री राम के लिए कुछ अलग कर गुजरने के लिए आगे आ रहा है। ऐसा ही कुछ जज्बा दिखाया है भीनमाल के एक भाई बहन ने, जिन्होंने स्केटिंग करते हुए अयोध्या जाने का निश्चय किया। और बता दें कि सिर्फ 7 साल की सिमरन पटेल और 12 साल के कैलाश पटेल ने अपने परिजनों से स्केटिंग के जरिए अयोध्या जाने की आज्ञा मांगी, जिसके बाद उनके परिजनों ने भी साथ चलने का फैसला लिया। शुक्रवार को दोनों भाई बहन के जालौर पहुंचने पर राम भक्तों ने इन बच्चों का स्वागत किया। दोनों बच्चे लगभग 12 से 13 दिनों में कुल 1200 किलोमीटर की यात्रा करके अयोध्या धाम पहुंचे। भीनमाल वासियों के लिए और अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मिथिला के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। भगवान राम के ससुराल और माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में खुशी का माहौल है। प्रसिद्ध पुनौरा धाम से माता सीता के नए घर के लिए भार यानी कि सनेश भेजने की तैयारी हो रही है। पुनौरा धाम से 11,000 दौरा में सोना चांदी कपड़े और अन्य सामान भेजे जाएंगे। भार में गांजा खाजा लड्डू और अन्य मिठाइयां भेजी जाएंगी। 7 ट्रक में सामान भरकर 100 गाड़ियों का काफिला पुनौरा धाम से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश रंजन इस खबर पर। 22 जनवरी को हमारे आराध्य देव भगवान को नया घर मिलने वाला है, जिसको लेकर मिथिला वासियों में खुशी की लहर है। और आपको इस खुशी की लहर की एक छोटी सी तस्वीर हम आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं कि मिथिला की बेटी सीता को माना जाता है और सीता की यही प्रकाट स्थली है, जिसके बारे में धार्मिक मान्यता ये है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तो इसी पवित्र भूमि से माता सीता प्रकट हुई थी। तो मिथिलांचल में माता सीता को लोग माँ बहन और बेटी के स्वरूप में पूजते हैं, उनको मानते हैं और भगवान राम को अपना दामाद मानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब बेटी का घर नया बसता है तो यहाँ से खुशियों का सौगात उनके लिए। और श्री राम में डूबा है पूरा देश, मानव सहित जानवरों में भी दिख रहा है इसका असर। पालतू कुत्ता भज रहा है राम नाम। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड निवासी एक घर में पाला गया है यह कुत्ता, जो राम नाम भज रहा है, घर वालों के साथ बोलता है, राम नाम भजनों में भी मिलाता है सुर पर सुर। जुली बोलो राम राम। जुली बोलो राम और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।